हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इन अनदर वीडियो। दोस्तों, जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी का जो है फॉर्म आउट हो चुका है। अब जिन स्टूडेंट को ना पता है उनको मैं बता दूं, जो नई ऑडियंस है, देखिए इसका जो लास्ट डेट है ना वो जून तक है, 15 जून तक। तो अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हो किसी भी कोर्स के लिए जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी में, मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है किस तरीके से एडमिशन होता है, बी फार्मा में, डी फार्मा में, बीएससी नर्सिंग में, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग उसको जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, देखो काफ़ी सारे स्टूडेंट का मैसेज था कि देखो बी फार्मा और बी फार्मा एसएफएस दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, ठीक है। एसएफएस की फीस भी 2 लाख के करीब है और जनरल की जो फीस है वो 1,30,000 है। तो आखिर एसएफएस में एडमिशन कैसे मिलता है, इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे एडमिशन होता है, तो उस चीज़ के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ, जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी कोई भी क्वायरीज रहती है, ठीक है, तो आप लोग डायरेक्टली मेरे वेबसाइट www.pharmabionline.com पर आकर, और यहाँ जैसे आप लोग नीचे की तरफ आओगे ना, तो देखो यहाँ पर जो आपको एक ऑप्शन दिखेगा चैट का, ठीक है, आप लोग डायरेक्टली मुझे यहाँ पर मैसेज कर सकते हो। देखो यहाँ पर जो आप मैसेज करते हो, ठीक है, तो इंस्टाग्राम से पहले आपको यहाँ पर रिप्लाई मिलता है, ठीक है, ओनली यहाँ आपको कुछ 10 से 15 मिनट में आपको रिप्लाई जो है दोस्तों मिल जाता है, ठीक है। तो अगर आप लोग फास्ट रिप्लाई चाहते हो तो आपको सिंपली आकर के मेरे यहाँ पर वेबसाइट पर आकर आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। एक और इन्फॉर्मेशन देना है आपको, जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके कि फॉर्म फिल करने में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, किसी वजह से फॉर्म फिल नहीं करवा पा रहे हैं, तो ठीक है, आप लोग जो है सिंपली मेरे नंबर पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, ठीक है, 9310-72-83-37, ओके दोस्तों, 9312-72-83-37 आप लोग इस पर मैसेज कर सकते हो, आपका फॉर्म जो है मेरे गाइडेंस में मेरे द्वारा फिल कर दिया जाएगा। अब ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि फॉर्म में गलतियाँ कर रहे हैं, और फॉर्म में जब गलती करोगे तो यार देखो एडमिशन जो है कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इसलिए आप लोग मेरे गाइडेंस में अगर फॉर्म को फिल करवाना चाहते हो तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो। चलो, अब बात आती है मेन कि आखिर जो है यहाँ पर एसएफएस का क्या सीन है। तो देखो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे सिंपली जो है बता दूँ सबसे पहले कि क्या सीन है यहाँ पर एसएफएस का। देखिए, जो एसएफएस है ना, वहाँ की जो फीस है वो दोस्तों है 2,10,000 रुपये फर्स्ट ईयर की, 2,10,000 रुपये सेकेंड ईयर की, और थर्ड ईयर की 2,10,000, और फोर्थ ईयर की 2,10,000। आप इमेजिन कर पा रहे हो इतनी महंगी फीस है यहाँ की एसएफएस की, ठीक है। अब देखो एसएफएस का थोड़ा सा मैं मतलब समझा दूँ आपको, एसएफएस का मतलब होता है दोस्तों सेल्फ फाइनेंस, ठीक है, सेल्फ फाइनेंस, ओके। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एडमिशन कैसे निकलता है, सबसे पहले आप लोग समझो, जैसे आप लोग एडमिशन के लिए फॉर्म अप्लाई करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर जो परसेंटेज आपका कैलकुलेट होगा और आपके परसेंट के बेसिस पर एडमिशन मिलेगा, जैसे आप लोग समझिएगा। देखिए यहाँ पर दो, मैं यहाँ पर आपको कॉलम बना रहा हूँ समझाने के लिए, दो कॉलम बना रहा हूँ, ठीक है। क्या होगा, आपने अप्लाई कर दिया, ठीक है, अप्लाई आपको सिंपल फॉर्म ही अप्लाई करना है बी फार्मा के लिए। एसएफएस में आपको एडमिशन है, जनरल में एडमिशन, वो यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है आपको किस में एडमिशन देना है, ठीक है। मान जाओ आपने फॉर्म फिल कर लिया, अब मेरिट लिस्ट निकलती है, तो सपोज डेट मान जाओ किसी स्टूडेंट के जो है 80% है, उसने फॉर्म को फिल किया, ठीक है, और किसी स्टूडेंट के 75% है, उन्होंने फॉर्म को फिल किया, और यहीं पर एक और स्टूडेंट है जो कि नीट में अच्छे मार्क्स लेकर के आया, उसको उसने फिल किया, ठीक है, जिसके 400+ नंबर आ रहे हैं। तो आप लोग समझना जरा, इसमें से एसएफएस में किसको सीट मिलेगा और जनरल में किसको सीट मिलेगा। देखिए, सबसे पहले यूनिवर्सिटी जो है जनरल की काउंसलिंग करवाती है, ठीक है। अब जनरल की काउंसलिंग में सबसे पहले दोस्तों बोलेगी 400+ वाले नंबर को, तो 400+ वाले नंबर में अगर 60 कैंडिडेट हो जाते हैं तो ये क्या करेगी दोस्तों, यहाँ पर एडमिशन जो है वो अब क्लोज कर देगी जनरल में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो सीट फुल हो गई, 60 कैंडिडेट की सीट थी, 60 कैंडिडेट ने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, सीट फुल हो गई, ठीक है। अब यहाँ बचते हैं 80% वाले, तो अब क्या करेगी, जो 80% वाले स्टूडेंट हैं इनको एसएफएस में ट्रांसफ़र कर देगी, ठीक है, मेरिट लिस्ट बनाएगी, एसएफएस में इनकी सीट मिलेगी। अब एसएफएस में जब सीट मिलेगी ना, तो इनको जो है साइड पर ये चीज़ मेंशन हो जाएगा कि आपको एसएफएस में सीट मिली है, ठीक है, और ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहूँगा, आपको किस में सीट मिल रही है, ठीक है। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा दोस्तों, क्योंकि देखो नोटिफिकेशन आएगा, मैं वीडियो बनाऊँगा, आप लोग वीडियो नहीं देख पाओगे तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि लिस्ट जो है वो यूनिवर्सिटी ही डिसाइड करती है, मान जाओ लिस्ट उन्होंने निकाल दिया, ठीक है, एसएफएस में आपको एडमिशन मिल गया, तो आपको क्या होगा, आपको जो है फीस पे करना रहेगा, ठीक है। अगर आप लोग फीस पे कर दिए तब तो आपका एडमिशन जो है कन्फर्म हो जाता है, अगर आप लोग नहीं पे किए तो आपका एडमिशन वहाँ से विड्रॉ हो जाता है, मतलब वहाँ से आपका एडमिशन हट जाता है, फिर नए कैंडिडेट की बारी आती है। तो कहने का मतलब क्या है, आप लोग फॉर्म को जब फिल करते हो तो आप लोग को सिंपली फॉर्म को फिल करना है, एसएफएस में किसको एडमिशन देना है वो दोस्तों यूनिवर्सिटी ही डिसाइड करती है, आप डिसाइड अभी नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपके परसेंटेज कम है, मान जाओ आपके 60% है, 70%, तो आप लोग अप्लाई करो, हो सकता है कि लास्ट में आते आते आपको एसएफएस में सीट मिल जाए,
मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो SFS में फीस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और नॉर्मल पीपल जो है एफर्ट नहीं कर सकते हैं यार, हर सालाना 2,10,000 रुपये। तो अगर आप लोग अच्छे फैमिली से बिलोंग कर रहे हो, अच्छे मीन्स फाइनेंशियल कंडीशन सही है, ठीक है, तो आप लोग अप्लाई करो। अगर परसेंटेज कम होता है तो आपका SFS में भी नंबर आने के चांसेज हैं, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको और यहाँ पे कंफर्म श्योरिटी के साथ बता दूँ, अगर यहाँ पे सीट दोस्तों देखो खाली रहती है जनरल में, तो वहाँ पर 80% वालों का जो है एडमिशन हो जाता है, ठीक है। अगर नहीं खाली रहती है तो इन्हीं का ट्रांसफ़र जो है SFS में हो जाता है। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई हो, किसी तरह कोई अलग से तो आपको फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं होती है, ओके। तो यही इन्फॉर्मेशन था, काफ़ी सारे बच्चे डाउट में थे कि आखिर कैसे होगा यहाँ पर एडमिशन, तो मैंने इनकी क्वारीज जो है रिजॉल्व कर दी है। देखो आप लोग किसी में इसमें से कोई भी ऐसे कैंडिडेट हैं, ठीक है, जो कि कोई डाउट है उनको या कुछ पूछना चाहते हैं, डायरेक्टली आप लोग मेरे यहाँ पर मेरी वेबसाइट पर आकर www.pharmabionline.com और यहाँ पर आपको सिंपली मैसेज कर देना मुझे, आपको रिप्लाई जो है 10 से 15 मिनट में मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलो तो ये इन्फॉर्मेशन थी, आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे ऐसे एक शानदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।